आप थोड़ा खा के बताइए कैसे। अरे अरे प्लीज, अरे यार ये बिहारी लोग का है, ये प्रॉब्लम होता है। बिहारी लोग खैनी बहुत पसंद करते हैं। आप क्या क्या बेचते हैं? सतुआ, सतुआ बेचते हैं, मतलब वो घोड़ के और सान के बनाते हैं, जो हाँ बिहारी लोग को पता होगा, बाकी किसी को पता नहीं होगा। वो आपको अभी हम दिखाने वाले कैसे बनता है। और नाम क्या है आपका? राजदेव साह। राजदेव साह, वाह अच्छा नाम है। आपका साल कितना है? हमारा उम्र 60 पूजने वाला है। 60 पूरने वाला है। और बिहार में कहाँ से आप? छपरा। छपरा जिला, कौन कौन है छपरा जिला का कमेंट में बता दो। तो कितने साल से यहाँ पे आप दुकान लगा रहे? 15-20 वर्ष हो गया। 15-20 साल हो गया। तो अब आप हमारे लिए भी शान दीजिए सतुआ। सतेंद्र, हाँ सतेंद्र, सतुआ में सतेंद्र ही तो बेस्ट है ना। आप लोगों ने सतुआ पिया होगा, किस किस ने सतुआ खाया है कमेंट में बताओ। बंगाली लोगों ने तो सब कुछ खाया ही है, उन लोगों को छोड़ के। बंगाली तो पानी भी खाते हैं। मजाक कर रहा था, सीरियस मत होना कोई। तो सत्तू और पानी को मिक्स किया जा रहा है। ये क्या है? धनिया पत्ता का चटनी है, किसका चटनी है? हाँ धनिया पत्ता, धनिया पत्ता का चटनी। कितना दाम है इसका प्राइस? 30 रुपया। 30 रुपया का इसका प्राइस है। ये है, इसको क्या बोलते पता नहीं हमको। साना हुआ सत्तू, मतलब सत्तू को सान के, मतलब पानी और सत्तू को मिक्स करके बनाते हैं। अंकल से पूछ लेते हैं इसका कुछ नाम है एग्जैक्टली कुछ। अंकल इसका कुछ नाम भी है या कुछ बोलते हैं इसको? सत्तू। बस सत्तू, सत्तू अंकल, सत्तू सत्तू। चल हाँ, तो इसको सत्तू का मक्खा बोलते, सत्तू मक्खा के बनाते हैं इसको, तो मक्खा ही है। ठीक है गाइस, बचपन में हम लोगों ने बहुत खाया है, जो वीडियो बना रहा वो भी खाया है। लेकिन हम लोग जैसे घर में खाते थे तो ऊपर में इतना अचार वचार नहीं लेते थे, बस सत्तू को मिला के नमक वमक दे के। मैं तो चीनी दे के खाता था, मुझे बचपन में मीठा बहुत पसंद था तो मैं चीनी दे के खाता था, बाकी मेरे घर में सब नमक दे के खाते थे। अभी इसको फिलहाल टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसा है। तो इसको कैसे खाना है समझ नहीं आ रहा, कैसे खाए इसको। देखो ये सत्तू है, इसको धनिया पत्ता के चटनी में डिप करते हैं। मिर्ची देख रहे हो आप कैसे इन्होंने ये करके दिया है। मस्त है भाई। सत्तू को नाम है सत्तू के, सत्तू का घोल। सत्तू का घोल, सत्तू का घोल तो वो हो गया ना जो आप यहाँ पे खाते हैं क्या? खाते हैं ना आप यहाँ पे? हम ये रखे हैं। कैसा लगता है वो खाना खाने, ये वाला खाने में? बस लाभ हमारा नहीं, हम कैसे बोलेंगे अच्छा लगेगा, आपको बढ़िया लग रहा है कि? हमको तो बहुत बढ़िया लगता है, हम लोग बचपन से खाते हैं, बिहारी है ना, बचपन से खाते हैं। बस बिहार में कहाँ से? पटना। हाँ हाँ, तब तो खाए ही होंगे आप भी, बचपन से खाते ही होंगे, बचपन से खाते ही होंगे आप लोग भी, मजा आता है। फिलहाल तो सत्तू घोल के पीने में, जैसे इसका प्राइस है 30 रुपया, और सत्तू को हम लोग जब धनिया पत्ता के चटनी के साथ डिप करके खा रहे तो खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक अलग ही फील आ रहा है। और हम लोग बचपन से खाते हैं तो मजा तो है, सत्तू का तो मजा पता है ना आपको। और नाश्ता अगर आप सत्तू करो तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, तो हेल्दी खाना है। और उसके साथ इन्होंने हमें दिया है 2 प्याज का टुकड़ा और 2 मिर्ची, और तो इसका ओवरऑल इसका प्राइस है 30 रुपये। तो 30 रुपये बहुत सही आइटम है। और ये मिर्ची को भूज के देते हैं, मतलब तेल में देखो आप फ्राई करके देते हैं, तो उसका जो स्पाइसीनेस है वो उतना नहीं रह जाता है, तो खाने में मज़ा आता है। और इसने टेस्ट किया वो आप कमेंट में बताओ, और जो जो ने नहीं किया है वो आप यहाँ पे देख लो आप, ये एरिया है रोशन मोड़ पार्टी ऑफिस के जस्ट ऑपोजिट में, वहाँ देखो आप रंग दे बसंती ढाबा है, और एलेन अभी नया इंस्टीट्यूट खुला है उसके ऑपोजिट में ये दुकान है, तो आप लोग आके आराम से टेस्ट करो। अलीघाट हाजरा एरिया में, तो आपको जहाँ भी ये दुकान मिले आप खाओ टेस्ट करो।
अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट में आके बता दीजिएगा। तो अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक के पेज पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब ठोक दो यार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।